हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ भारती। तो आज आपको मैं दिखा रही हूँ अपने कुछ फूलों वाले प्लांट्स जो कि मैंने विंटर सीजन में ग्रो किए थे। तो हर साल मैं ग्रो करती हूँ, इस बार भी किए हैं। इस बार मुझे अपने गार्डन में बहुत सारे फूल जो है, यानी कि कहे तो क्वान्टिटी में मिले हैं। और ख़ास बात ये है कि मैंने इस बार अपने फूलों के पौधों को कोई भी फर्टिलाइज़र या फिर किसी और पौधे को कोई भी अभी तक का फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। तो फिर भी इस बार मेरे गार्डन में बहुत सारे फूल खिले हैं कंपैरेटिवली जो लास्ट जितने भी सीज़न गए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फूलों की जो प्लांट्स की ग्रोथ है सीज़न के, जो जैसे कि विंटर सीज़न के, तो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। तो जैसे हर सीज़न में मैं इनको गोबर तो देती ही देती हूँ, एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र ना भी दूँ तो, लेकिन जो इस बार मैंने वो गोबर की खाद भी नहीं दी। और इम्पेशंस तो कभी मेरे इतने हुए ही नहीं है। तो इनको मैंने दो जगह पे लगाया था तो ग्रोथ आप देख सकते हो। और ये है मेरी गोल्ड और ये है मॉर्निंग ग्लोरी, जिसको मैंने ऐसे ही सीड्स फेंक दिए थे और पेटोनिया इसमें लगा हुआ है, उसमें ये खिले हुए हैं। और ये एक छोटा सा एस्टर और डॉग फ्लावर, और डॉग फ्लावर भी मेरे पास काफ़ी होते हैं। ये कश्मीर से मैंने दो कटिंग ली थी और दोनों ही ग्रो हो गई हैं। और ये है फ्यूशिया की कटिंग जिसकी एक लंबी सी स्टिक निकली है। और ये है कुछ हर्ब्स जो मैंने ग्रो की थी और सबकी सब ग्रो हो गई हैं। लहसुन ये भी काफ़ी अच्छा खिलता है मेरे पास बिना किसी फर्टिलाइज़र के। और ये है कोई सकुलेंट जो कि अभी सनलाइट में काफ़ी ग्रो हो रहा है लेकिन शेड में ग्रो नहीं होता है अच्छे से। और ये पर्पल कलर का लहसुन है और ये है डेजी के, और डेजी और जो पिटोनिया है बहुत ज़्यादा खिले। और ये देखिए पर्पल शेड में ही एक मेरे पास रेड शेड निकला है अपने आप, इसका कलर चेंज हुआ है, मुझे नहीं पता किस तरह से। और अभी तो ये फूल जो है बाय बाय बोलने वाले हैं और इनकी जो ग्रेस है वो भी अभी बस ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है क्योंकि गर्मियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और ये देखिए कितना हेल्दी है कैलेंचो का प्लांट, ये भी मैं कश्मीर से ही इसका एक पत्ता लेकर आई थी और पत्ते से ही देखिए कितने बड़े प्लांट्स बन गए हैं। वर्बीना जो है ये तो सारे के सारे सेम कलर निकले हैं। और जो फ्लॉक्स है इसमें एक वाइट है, एक पिंक है, थोड़ा सा डार्क है। इनको भी मैंने सीड से ही ग्रो किया है इस बार, और मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन जो है सीड्स मंगवाए थे, लेकिन सारे के सारे जो सीड्स हैं सारी वैरायटी के ग्रो नहीं हुए। सिनेनेरिया भी इस बार मेरा ग्रो नहीं हुआ। और ये देखिए मैरीगोल्ड, इसकी एक अलग ही लुक है, इसको मैंने कभी पिंच या ट्रिम नहीं किया, तो बिल्कुल फाउंटेन की तरह, जिस तरह कोई बुशी प्लांट होता है उसकी तरह इसकी जो शेप है वो बनी हुई है। उसके बाद ये है धनिया, इसको मैंने सीड से ग्रो किया था जो कि लास्ट धनिया जो हुआ था उससे जो सीड्स मैंने स्टोर करके रखे थे। और ये फ्लॉक्स और नस्ट्रीशियम ये भी अपने आप ग्रो हो जाते हैं क्योंकि इसमें सीड्स गिर जाते हैं। पालक को भी मैंने जो लास्ट सीजन के जो सीड्स मैंने स्टोर करके रखे थे उन्हीं से ग्रो किया है और अभी भी मैं स्टोर करूँगी। और ये है चेरी टमाटो, और ये देखिए एक थैली में मैंने धनिया को लगाया था और बीच में जो गेंदे के फूल खिले हुए हैं वो तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये मैंने जो पोटैटो ग्रो किए थे इसकी अभी एक दो डंडियाँ बाकी हैं ग्रीन, फिर इसको मैं हार्वेस्ट जो है करूँगी, देखूँगी इसमें कितने ग्रो हुए हैं। और ये देखिए मैरीगोल्ड का तो इतना ज़्यादा खूबसूरत है, मन करता है इनको पूरा दिन देखती जाऊँ। तो पूरे एक महीने से ये खिले हुए हैं और अभी भी हैं और धीरे धीरे अब जो है ये स्पेंट होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी मैंने कोई पिंचिंग नहीं की है और ना ही कोई खाद दी है ना कोई फर्टिलाइज़र दी है, और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। और ये है इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया पॉपी जो येलो कलर का है, ये भी काफ़ी सारे फूल दे रहा है। और ये जो पिटोनिया अपने आप ग्रो हुए हैं इस क्यारी में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और जो पॉपी है ये भी काफ़ी सारे फूल दे चुका है। और ये है कैलेंडुला, इसको मैंने सीड से ग्रो किया था। और ये सारे जितने भी
फ्लॉक्स के फ्लावर्स सारे मैंने सीड से ग्रो किए। और ये देखिए यहाँ पे मैरीगोल्ड कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये है कैलेंडुला, और ये है एस्टर, ये भी 2 दिन से फूल खिला हुआ है अच्छे से। और ये है डेसी के फ्लावर्स। और जूही पे इतने ज़्यादा फूल येलो कलर के खिले हुए थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन मैं वीडियो जो है नहीं बना पाई। तो और जो इसके फूल हैं वो गिरते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं जब गिरे हुए होते हैं। और ये है कैंडी ट्रफ्ट, ये भी कैंडी टफ्ट, ये भी काफ़ी ज़्यादा खिले। और जो वर्बीना है इसके तो सारे शेड्स पिंक ही निकले हैं। और एनुअल क्रिसेंथिमम है, ये भी अच्छे से हो गया था, लेकिन अभी ये ख़त्म होने वाले हैं। और इनको मैं जो वाटरिंग करती हूँ ना, जो हुक वाले प्लांटर्स हैं, इनको मैं पहले नीचे उतार लेती हूँ फिर वाटरिंग करती हूँ। इससे क्या है, पानी अच्छे से इसमें चला जाता है और फिर मैं उसके बाद इनको हैंग कर देती हूँ इस तरह से। और ये है वाइट बिगोनिया, और वर्बीना है पीच शेड में, बहुत अच्छा आया था। और ये है रेड बिगोनिया। तो इस तरह से मेरे जो फूल हैं इस बार वो खिले हुए हैं। तो मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इनको फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी, मैंने इसको भिगो के भी रखा था। ये नीम केक की वो है, नीम केक है। तो लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई थी सर्दियों में, जिसकी वजह से मैं दे नहीं पाई और इनमें कीड़े पड़ गए थे। तो फिर मैंने डरते इसको जो है अपने प्लांट्स को दिया नहीं, और इसको मैंने वैसे ही रखा हुआ है कि मैं वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों को इसको दिखाऊँगी भी। तो ये पूरा ऊपर तक था, ड्राई हो के ये नीचे तक आ गया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।